ग्राम पंचायत इटार पहाड़ पूर्व सरपंच और आपकी धर्म पत्नी ने आत्मघाती कदम उठाया, मतलब क्या लगता है आपको, किन कारणों से इन्होंने ऐसा कदम उठाया? पंचायत में 6 लाख से ऊपर राश फंस गई, काम करा दिए, इंजीनियर और एसडीओ दोनों को स्टाफ डैम्प में गए, स्टाफ डैम्प में काम कराओ जल्दी, यानी बरसात लग जाएगा, उसमें काम कराया, जो उनके 2.5 लाख एक रुपये भुगतान नहीं हुआ। मंगल भवन होकर जो तो गौशाला के 2,66,000 रुपया कुशल श्रमिक की मजदूरी होती, जौने में के कुछ कहीं ना कुछ सी सी जारी कह दी हैं, 1,04,000 बिल के राश हो रही गौशाला के, ओकर फर्जी जो बिल लगाए के संदीप शुक्ला के बिल लगाए के राशि निकाल लेनी, 1,58,000 खेल मैदान की फर्जी बिल लगा के निकाल लेन राश, जो कि खेल मैदान के काम नहीं भाई ओकर निकाल लेनी। कौन निकाल लिया था ये? जो सरोज पांडे सचिव और अनुराग पांडे इंजीनियर अभियंत्री और मिली भगत एसडीओ साहब की भी है, निखिल पांडे जी के। अच्छा, मतलब अभी कुछ राशि अभी फंसी भी है आपकी? अरे 6 लाख से ऊपर फंसी है, हम कलेक्टर साहब को पुष्प जी को आवेदन दिए अक्टूबर में दे रहे हैं, और यह कह लिखे रहे हैं कि साहब हो जाए तो कि हमारा राशि के जो उन्होंने ये बदरबाट कह रहे हैं, हमका आजकल लगाए रहे हैं, तो ये कहें कि चलो जो लिखे हो ना, जब बोले लागे तो कहीं लिखे हो ना, हम पढ़ लेंगे। सीओ साहब जिला श्रेय के ध्यान, जनपद सीओ के ध्यान, कोनो कार्रवाई नहीं है। अब 19 तारीख के जौन है तो प्रतिभा जी के लिए कलेक्टर महोदय के दिन है, वे आश्वासन दिन कि जिला पंचायत सीओ छुट्टी में गए हैं और अब जाँच कराएंगे। हम लिखे रहें कि मैंने जाँच करा कर सही मूल्यांकन कराया जाए, मौके पर देख के मूल्यांकन करा के सही भुगतान बचे हुए भुगतान राशि के भुगतान कराया जाए। बीमारी कोई नहीं थी, केवल 19 तारीख से मानसिक तनाव था कि घर से मोटरसाइकिल चोरी चली गई, ये हम कोनो कार्रवाई नहीं है। कलेक्टर साहब का जो उन्होंने 5-7 महीना पहले अर्जी दिया है तो कुछ नहीं भा, सीओ के दिया तो कुछ नहीं भा, जनपद से दिया तो कुछ नहीं भा, अब इन्हों के दिया था कुछ नहीं भा, बेहतर कुल मिला के मानसिक तनाव के कारण। मानसिक तनाव सरोज पांडे उपयंत्री जो उन्हें तो निखिल उपयंत्री जो उन्हें तो अनुराग पांडे और एसडीओ निखिल पांडे के द्वारा इनकी ये कृत्य कीन गए, जो उन्हें सरपंच तनाव में आके आत्महाती का मतलब। अच्छा, सरपंच महोदय द्वारा कितने बार मतलब आवेदन दिया गया था उक्त समस्या को लेकर? तीन बार निराकरण नहीं हुआ। निराकरण नहीं हुआ।